11 दिसंबर 1995 सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है जी। और इस शब्द के ऊपर बैन लगाया गया है क्योंकि इसमें सरकार का भी हाथ है जी। जो इनको सह दे रहे हैं, बिट्टू बजरंगी को, मोनू को, इनको जो चल रहे हैं, सब सरकार की उससे चल रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि भाई 28 तारीख को दोबारा ये गैंग या दोबारा कोई बात या कोई पत्थरबाजी या कोई कतलेआम हो। हम ये चाहते हैं भाई इसको, ऐसी ऐसी यात्राओं को बंद करें, इसको खान खाना आगे के लिए टाल दे, जब शांति हो जाए निकाल लेना। 2024 का चुनाव आ गया, अब एक से एक काम जो नहीं छेड़ेंगे, नए नए कानून लाएंगे। सामने सो जब कोई कानून पर कहीं उठा तो नया कानून बना पाओ है। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़। धनखड़ साहब, जैसे कि कल हम माने के 26 तारीख है और 26 तारीख को मेवात में पंचायत होनी है, हिंसा के बाद ये पहली पंचायत है और आप इस पंचायत के ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो क्या प्लान है आपका, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसके लिए? तकरीबन सभी संगठन जितने भी होंगे, क्योंकि अध्यक्षता जो चीफ गेस्ट है वो है अपने पूर्व राज्यपाल श्री सतपाल सिंह मलिक जी जी। इसके अलावा जो किसान यूनियन के सरदार गुरुराम सिंह चलूंगी जी, उनका सारा ग्रुप जो है हिंदुस्तान में जितने भी उनके वो सभी आएंगे, और बाकी किसान मोर्चा के विभिन्न जो संगठन है उनके दल है उनके वो भी आएंगे, और खाप तो उम्मीद है कि भी लाखों की तादाद में वहाँ पब्लिक होगी। वो सिर्फ भाईचारे के लिए है जी। क्योंकि जो हमारी मांग थी असलियत में कि जो 28 तारीख को जो ये रखना चाहते थे एक भी यात्रा, तो हमारा मेन मकसद ये था कि भाई आगे को दोबारा नफरत की बात कोई ना फैल जाए, क्योंकि इसमें सरकार का भी हाथ है जी। जो इनको सह दे रहे हैं, बिट्टू बजरंगी को, मोनू को, इनको जो चल रहे हैं, सब सरकार की उससे चल रहे हैं। तो हमारा यही बह था कि क्योंकि जो अब वहां जो बैठे हुए हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है, ममता जी है और ये बिजारनिया जी है, ये बहुत कड़े हुए निकले हुए आदमी है। अब सरकार का ये भी भरोसा नहीं, हमें तो ये भरोसा नहीं कि भाई कभी कल को ये इनको ट्रांसफर कर दें, अगर कोई ठीक काम कर दिया तो हम नहीं चाहते कि भाई 28 तारीख को दोबारा ये गैंग या दोबारा कोई बात या कोई पत्थरबाजी या कोई कतलेआम हो। हम ये चाहते हैं भाई इसको, ऐसी ऐसी यात्राओं को बंद करें, इसको खान खाना आगे के लिए टाल दें, जब शांति हो जाए निकाल लेना। ये यात्राएं निकालनी है, हरिद्वार में निकाल लो, पुष्कर में निकाल लो, और कोई निकाल लो, कोई जरूरी है कि यही निकालनी। तो हमने तो सिर्फ ये इसकी डिमांड की थी, अब वो उन्होंने सरकार ने जो है उसको बैन भी कर दिया है, उसको परमिशन नहीं दी। बहुत अच्छा किया, हम आभारी हैं उस प्रशासन के जिन्होंने उसको नहीं दिया। अब जो ये यहाँ चलेगी इसमें पास ये राजस्थान पंचायत होगी 26 तारीख की, अब इसके लिए तैयारियां चल रही है और अपने स्टेज वगैरह सब कुछ लगाया जा रहा है, वहां से उनका इंतजाम होगा, लोकल पब्लिक वो कर रही है। हमारा काम तो इतना था भाई प्रचार करना और वहां पब्लिक भेजना जी। तो हम ये माने कि 28 की तो जैसे मेरी विश्व हिंदू परिषद के जो सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र जैन साहब, उनसे भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि हमने तो प्रशासन से किसी भी तरीके से वैसे अप्लाई तो किया नहीं सुरक्षात्मक तरीके से, लेकिन उन्होंने कहा जरूर कि सावन महीने में ही यात्रा शुरू होती है, समापन भी सावन महीने में, तो यात्रा तो करके रहेंगे। ओहो, इनकी तो घर की भई काका लिखनिया, घर की सरकार, घर का करनिया, घर के आदमी हो कुछ भी करो, जीव तो एक मास का लौटा है, इन्होंने तो नफरत की बात फैलानी है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे मेवात पूरा एरिया है उसमें अलग अलग खबरें सामने आती रही हैं कि देखिए जी यहाँ तो कथित तौर पर गो तस्करी होती है, या ये लोग जो है इस तरीके से गायों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इन खबरों को आप लोग कितना सच मानते हैं या इस तरह की परिस्थिति को? क्योंकि हम देखते हैं कि मेवात भी खेती किसानी वाला बेल्ट है, वहां भी हमने किसान देखे, वहां की महिलाएं भी पशुओं के लिए चारा लाती है, सर पे गठरी ढोती नजर आई जैसी मुझे रोहतक सोनीपत की महिला दिखती है। देखिए जो मेन चीज है गो तस्करी वाला ये मामला, ये तो बहुत हायर लेवल का है, जो सबसे ज्यादा जो इसका जो मांस का व्यापार है, बीफ का व्यापार है, वो सारा का सारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो इन्हीं के जो है ना, वो जैन समाज कह लो, जो इनके नाम है सारे के सारे, जो बजरंग दल कह लो या विशिष्ट हिंदू परिषद कह लो या सरकार के आदमी कह लो, सब वही कर रहे हैं। और रहा मतलब जो ये कुछ एक है जो ये मेवात साइड से जो आते हैं या इससे मुजफ्फरनगर साइड से जो ये आते हैं मेठ साइड से, कुछ एक जो अपने कैंटर लेके और ये गायों को चोरी करने के लिए, तो चोरी भी जब होती है जब उनको आगे शय मिलेगी,
हमारे आदमी यहाँ हर गांव में उनके साथ जो है मिले हुए हैं, पैसे के उनका जो ना हिस्सा पत्ती है। अगर सरकार इनको जो ये शह देने वाले हैं गांव में, अगर यही नहीं मिलेगा तो चोरी करने वाले तो कुछ भी तो नहीं पाओगे। लोगों को लिफ्ट मिलती है आगे से, और जो शह दे रहे हैं उनका सरकार में हाथ है जी। तो ये इस तरह की एकदम परिस्थिति क्यों है? क्योंकि हरियाणा में तो मैं देखती थी खेती की बात होती थी, किसानी की बात होती थी, ये धर्म की यात्राओं की, जय श्री राम की, ये बात तो हम अभी इन्हीं सालों के दौरान देख रहे हैं। तो कितनी खतरनाक मैंने आपकी चुनाव आ गया, 2024 का चुनाव आ गया, अब एक से एक काम जो नहीं छेड़ेंगे, नए नए कानून लाएंगे। सामने सो जब कोई कानून पर कहीं उठा तो नया कानून बना पाओ है। इन्होंने तो सारा मीडिया पर कब्जा इनने कर लिया, प्रिंट मीडिया पर इनने कर लिया, और जो ये सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने के चक्कर में बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इनने कब्जा लिया, आर्थिक जितना भी आप ये जिस तरह चंद्रयान का था 615 करोड़, बहुत गर्व की बात है, हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में गया, पर जो ये 615 करोड़ के ऊपर ये बहुत से टिप्पणी दे रहे हैं, इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा तो इसके कपड़े बदलने में, प्राइम मिनिस्टर के कपड़े बदलने में लग गया है। और दो चंद्रयान तो सिर्फ उन्होंने भेज के ये जो ये प्रचार में जो प्रचार सामग्री वालों को, मीडिया वालों को जो पैसा दे रहे हैं, उसमें दो चंद्रयान और भेज के है, ये अपने आप ने संभालो। पर ये साजिश है, ये साजिश एक रही, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने जो नींव रख दी इसरो की नीति, अब ढाणे पर लाग रहे, पता नहीं ऊपर तक केक रहे नीचे तक केक रहे, भगवान जाने, मारते इनकी संबंध में बात नहीं है जी। तो आपको लगता है कि इस पंचायत का मेवात में कुछ असर होगा, भाईचारा बनेगा? क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं कई हिस्सों में धारा 144 लागू है, अभी वहां पर भी जो रोजगार है उसको लेकर भी लोग चिंता में हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी, जो रेडी लगाया करते। तो अगर हम इसे धार्मिक एंगल से भी माने तो क्या यहां पर हालात सामान्य हो सकने की परिस्थिति हो पाएगी आपकी पंचायत के बाद? भाई धर्म चीज क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है, धर्म है क्या चीज? जिनकी दुकानें तोड़ी, जो रेडी लगाया करते। तो अगर हम इसे धार्मिक एंगल से भी माने तो क्या यहाँ पर हालात सामान्य हो सकने की परिस्थिति हो पाएगी आपकी पंचायत के बाद? भाई धर्म चीज क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है, धर्म है क्या चीज? धर्म के कारण तो जो है जर्मनी दो भाग हुआ, वो हिटलर की तानाशाही आई, जो ये अब लाने के जिसमें चक्कर में कोरिया शासन वगैरह। देखो एक जाति है, एक गोत्र है जी, गोत्र कभी बदला नहीं जा सकता जी, उससे परिवार की पहचान होती है। जाति जो हमने काम के आधार पर बचे उसके बाद में जन्म ले लिया वो हमारी जाति है, पर धर्म कोई चीज नहीं। अपनी सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर 1995 सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है जी। और इस शब्द के ऊपर बैन लगाया गया है कि सार्वजनिक तौर पर इस बैन का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं तो कर लूंगा ना तो मेरे गांव वाले ये प्रदेश अध्यक्ष ये मतलब ठाकुर जेल में ठुका देंगे, अब ये तो हिंदू हिंदू पुकारे से, ये तो कुछ भी कहो इनको कोई कहने वाला नहीं है। तो ये तो एक नफरत की बात है भाई, हिंदू है कहना है, जिसने कहना है भाई, जिसकी जो आस्था है अपने अपना वो करो। पर ये चुनाव के कारण जो है आपस में नफरत फैला के, और ये तो चुनाव का तो कभी दोबारा इंटरव्यू लिया उसके बाद में बताऊंगा कभी, अब टाइम नहीं है थोड़ा जी। ये तो एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज होगा, निजी झूठ बोल ली जाएंगी, और ऐसे ऐसे झूठ बोल देंगे युवा आने वाले टाइम में जो कोई सोच भी नहीं सकता, कि जिस तरह बेरोजगार हैं, लो भाई तुम्हें हम 2000 रुपए वो देंगे, कई कह देंगे औरतों को कह देंगे एक एक तुम्हें सोने का हार मिलेगा, देना लेना कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी नहीं का, अगर कोई अपोजिट वाला कह देगा तो भीतर जेल में ठोक देंगे, ED के ठप्पे बनवा देंगे, और ये तो कुछ भी तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।